हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डोसे की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने बटर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे डोसे का बैटर है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और मैंने 3 मीडियम साइज़ आलू को उबाल लिया था, और ये थोड़ी सी हरी मटर ली हुई है मैंने, और ये छोटा मीडियम साइज़ प्याज और एक हरी मिर्च काट लिया हुआ है, और ये धुली हुई उड़द दाल है, और ये मेरा गरम मसाला है 1 चम्मच के करीब, और ये हल्दी पाउडर है, और हरी धनिया मैंने कट कर लिया हुआ बारीक साफ करके। अब आप देख सकते हैं कढ़ाई में मैंने तेल गरम हो गया है, और उसमें मैंने राई डाल दी हुई है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं मैंने प्याज और मिर्च को डाल दिया है। अभी हम इसे बराबर चलाते रहेंगे, हम इसे ज़्यादा ना पकने दें, हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब इसके बाद जो उड़द की दाल थी मैंने उसको डाल दिया है। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक भूनते रहेंगे, ताकि थोड़ी सी अच्छे से भुन जाए। और आप देख सकते हैं मैंने हरी मटर को भी डाल दिया हुआ है। हरी मटर थोड़ी अच्छे से पक जाए, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। और इसमें मैंने जो आलू दिखाया था उसको स्मैश करके अच्छे से इसमें मैंने डाल दिया है, और हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो गरम मसाला था उसको मैंने डाल दिया है, और जो हल्दी पाउडर है उसे भी हम डाल देंगे, और हरी धनिया जो मैंने कट करके रखा था उसे भी मैंने डाल लिया है, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को धीरे धीरे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आप इसमें अपने स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे डोसे की जो आलू है वो बन के तैयार हो चुका है, हम इसे अच्छे से चला देंगे। अब आप देख सकते हैं मैं डोसा बनाने जा रही हूँ, और मेरा तवा लगभग गर्म हो चुका है। उस पर मैंने पानी डाला, पानी से जब चटकने लगा तो मेरा तवा गर्म हो चुका है। अब आप देख सकते हैं मैंने बैटर को डाल दिया है, और इसे हम आराम से फैला लेंगे। हमें इसे इसकी जो आंच है उसको मीडियम ही रखना है, और मैंने बटर का छोटा सा क्यूब ऊपर लगा लिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने आलू का जो स्टफिंग तैयार किया था उसे मैंने इसमें डाल के फैला लूँगी। आप देख सकते हैं मेरा डोसा बन के तैयार हो चुका है, और आप इसको नारियल की चटनी के साथ या सांभर के साथ खा सकते हैं।